देखिए माशाल्लाह एक खड़ी चादर निकल रही है यहाँ से, और एक ये चादर आप देख सकते हो बाबा जान की बारगाह पे जा रही है। ये देखिए माशाल्लाह पीर हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा की दरगाह की छवि मुबारक बन के आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर खान। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये कि आज मैं आया हुआ हूं पीर हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा की बारगाह पे, जहां पे हमें हमारे भाईजान सब्सक्राइबर मिल गए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरीके से यहाँ पे मनाया जाता है उर्स? ये तो 108वां उर्स है बाबा हाजी अब्दुल रहमान शाह का। जी, ये हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। माशाल्लाह साल से थोड़ा कम मना रहे थे लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस था इस वजह से, लेकिन ये बार थोड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है माशाल्लाह। मतलब हर एक गली हर एक मोहल्ला सजा हुआ है, सस्ता है और संडल निकलता है 10 दिन तक के लगातार 10 दिन हर एक गली हर एक मोहल्ले से। हमें अकेले समा भी होती है जो कल हो चुकी है। भाई हमें लेकर के आया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? फैजान। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ मुंबई में, और मुंबई में मैं हूँ आज मौजूद डोंगरी के सुल्तान पीर हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा की बारगाह पे, जहाँ पे बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है माशाल्लाह। जुलूस की शक्ल पे यहाँ पे पूरा निकल रहा है, क्या बोलते हैं, चादर निकल रही है माशाल्लाह। तो चलते हैं दरगाह शरीफ के पास में और आप लोगों को दिखाते हैं। धीरे चलो धीरे। तो गाइस फाइनली में डोंगरी के इमाम हुसैन चौक पे पहुंच चुका हूँ माशाल्लाह, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े संदल आते हैं और यहीं से दरगाह शरीफ जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बहुत बड़ा संदल आया हुआ है, यानी बहुत बड़ी चादर डीजे के साथ आई हुई, तो वो भी आपको। और ये हमारे यूसुफ भाई हमारे वीडियो बनाने में मदद करें, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। देखिए मुंबई में कितना बड़ा संदल निकलता है, माहौल देखिए सुभान अल्लाह। बारगाह पे हम लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े संदल यहाँ पर आ रहे हैं और अभी भी संदल आने वाले हैं, वो सारे संदल दिखाऊंगा। देखिए सजावट कितनी खूबसूरत है, मेन गेट की सजावट अभी चलते दिखाते हैं आप लोगों को।
इस अंदर निकल रहा है माशाल्लाह डोंगरी के सुल्तान हाजी अब्दुल रहमान बाबा। हम लोग गेट के अंदर जाने वाले, उससे पहले हम पूछते हैं क्या होने वाला है। बैटल होने वाला है दोनों डीजे में। हाँ, दोनों डीजे सरकार का नाम है तरीके। वालेकुम सलाम सब्सक्राइबर। वो देखो जोश हो गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को शेयर करिए। जी जी जी, बम लगा रहे हो क्या? चलिए दो डीजे वालों का बैटल होने वाला, देखते कैसे होता है बैटल। चलो भाई चलो, लगाओ फटाफट लगाओ। बनाना देंगे एक साथ नारे। एसआरएस भाई भाई, मुंबई में बजा तो एक ही साउंड बजा, ओनली वन एसआरएस। क्या हो रहा है? बैटल हो रहा है दोनों।
सुभान अल्लाह। लोगों को पूरे डीजे आने वाले हैं, वो आपको दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत तारा मंजर है। फिर आज ही अब्दुल शाह रहमान बाबा सुभान अल्लाह क्या मंजर है यार। यहाँ पे नाइट का मंजर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अजान के टाइम तक अजान में हम बोलेंगे नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह एक चादर आ गई। कितने खूबसूरत चादर आई है, कहाँ से आई है? देखिए संदल जा रहा है माशाल्लाह, दिखाते हैं आपको ताज वाली चादर, दिखाते हैं ये देखिए ताज वाली चादर जा रही है सुभान अल्लाह। येलो देखिए कितना प्यारा खूबसूरत संदल निकल रहा है यहाँ पर, आपको दिखाते हैं चांद वाली ताज। दरगाह के मेन गेट पे आया था माशाल्लाह, यहाँ पे डीजे के साथ में ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे बाबा जान का वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं दरबार शरीफ, बाबा जान की बिल्कुल दरगाह की तरह बना हुआ, देखिए शटअप बना हुआ है बिल्कुल पीर हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा के गुम्बद की तरह नजर आ रहा, देखिए सेम पूरा दरगाह की तरह है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो बात है मुंबई में, मुंबई में जो जुलूस निकलता जो जाके निकलता कुछ इस तरीके से निकलता, देखिए हाँ हाँ सुभान अल्लाह देखिए कितना खूबसूरत सेटअप बनाया हुआ है बिल्कुल सेम दरगाह शरीफ की तरह, ये कहेगा किंग नंबर वन आया है, क्या बात है, डीजे वालों का भी नाम देखो यार सुभान अल्लाह आगे से दिखाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत बना रखा है माशाल्लाह। गाड़ी रोक दो, जनरेटर की बना के निकाली गई है पीर हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा की दरगाह का, देख सकते हो काफी खूबसूरत प्यारी झांकी बनी है और अभी भी जुलूस आता जा रहा है और आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए सुभान अल्लाह। हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितना खूबसूरत तारा मंजर है, ये आज अब्दुल रहमान शाह बाबा की बात करता है बहुत बहुत आनंद से करता है तो देख सकते हो बाकायदा डीजे के साथ यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी झांकियाँ निकलती है, अभी और भी झांकियाँ आएंगी वो भी आपको दिखाऊंगा।
देखिए संदल आ गया है यहाँ पर, दिखाते हैं आपको ये किन की चादर है। देखिए सुभान अल्लाह, यहाँ पर इस तरीके से इसके बाल बना के निकालते हैं चादर को। देखिए ये देखिए यहाँ पे इतनी खूबसूरत इमारत बना के निकाली है भाई। ये कौन से मोहल्ले की इमारत है? ये अपना बोरी मोहल्ला। कौन से? अच्छा अच्छा माशाल्लाह, देखिए काफी खूबसूरत आस्थाना शरीफ को बना के निकाला है यहाँ पर, और यहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग निकालते हैं। ये देखिए ये अपना है क्या भाई? हाँ भाई। कहाँ, कौन से मोहल्ले का है? सुर्खी मोहल्ले। ठीक है माशाल्लाह, देखिए मुंबई में हर एक मोहल्ले से, हर एक कोने से यहाँ पे आस्थाना बना के निकाला जाता है। देखिए सुभान अल्लाह। ओ मेरा मिस्टर, देखिए यहाँ पे चादर आई है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पे बड़ी एरिया की चादर है? नागपड़ा की। क्या माशाल्लाह नागपड़ा की, देखिए चादर आ गई। ये देखिए माशाल्लाह एक खड़ी चादर निकल रही है यहाँ से, और एक ये चादर आप देख सकते हो बाबा जान की बारगाह पे जा रही है। ये चादर कौन से मोहल्ले की, कौन से मोहल्ले की चादर है? नागपड़ा मदनपुरा की। मदनपुरा नागपड़ा की चादर है माशाल्लाह, देखिए काफी खूबसूरत आई है, और ये नागपड़ा की पब्लिक है। और अभी और भी बहुत सारी चादर आई है, मैं सारी आप लोगों को दिखाता हूँ माशाल्लाह। देखिए बाबा हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा की बारगाह पे इसी तरीके से जुलूस निकलता है माशाल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हमारे कहाँ, नागपड़ा से? ठीक है माशाल्लाह, देखिए बहुत खूबसूरत चादर निकाली है माशाल्लाह। देखिए पूरा कंपनी कैसे पे जा रहा है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए मेरी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मेरे को। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत डीजे है, और ये देखिए पूरी ये बच्चे पार्टी लोग। ये देखिए सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत चादर निकल रही है माशाल्लाह। तो आप लोग हर साल निकालते हो? हर साल, हर साल। अच्छा अच्छा, कौन सा ग्रुप? कौन सा ग्रुप है? बादशाह ग्रुप। बादशाह, अच्छा अच्छा माशाल्लाह। कब से निकाल रहे हो आप लोग? 10 साल से। 10 साल से, मतलब हर बार नया नया निकालते हो बना के? क्या बात है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया माशाल्लाह। एक नंबर मेरी जान, क्या बात है। देखिए सुभान अल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत प्यारा मंजर है। यहाँ पर इस तरीके से चादर निकलती है, बड़े धूमधाम से चादर निकलती है माशाल्लाह। अल्लाह हू अकबर या रसूल अल्लाह माशाल्लाह। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पे जुलूस निकल रहा है। अभी एक और साउंड आ रहा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंपटीशन होता है साउंड का, यहाँ पे डोंगरी में आप देख सकते हो बहुत प्यारा और खूबसूरत यहाँ पे क्या बोलते हैं मेला मनाया जाता, मतलब उत्सव मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चादर और संदल आते हैं। देखिए ओ बहुत भारी है, तो कौन सा HD साउंड बाप रे, बहुत लंबा भीड़ है यहाँ पे।
अभी साउंड पता नहीं कोई बजा नहीं रहे, ये लोग भी अगर बजाते तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाता। ये हमारे भाई सब्सक्राइबर मिल गए जो हमारी वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक संदल इधर से भी आ रहा, देखते कौन सा संदल आया यहाँ पर। पहचान गए, क्या बात, एक नंबर। देखिए माशाल्लाह यहाँ पर जुलूस आ गया है माशाल्लाह। यहाँ पे हर जगह का संदल आता है, आ चुका है देखिए। अभी हम लोग दरगाह की तरफ जा रहे हैं, काफी खूबसूरत सजावट हुई है माशाल्लाह। मैं आपको सजावट दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया बना है माशाल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत सजावट हुई है देखिए सुभान। और हर एक गली हर एक मोहल्ला यहाँ पे सजाया गया है, जिस भी गेट से आप एंट्री लोगे वो सारे गेट यहाँ पे सजाए गए हैं। अभी मैं दरगाह की तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को, दरगाह शरीफ की दर्द कराता हूँ। देखिए पूरी गली सजाएंगे ये देखिए, दरगाह शरीफ जाने का रास्ता है। और एक चीज आपको बता दूं कि दरबार के पास जब जाओगे तो हर एक मोहल्ला हर एक गली को सजावट करते हैं, जैसे 12 रबी अव्वल में यहाँ पे सजावट होती है ना माशाल्लाह, जैसे यहाँ पे 11वीं शरीफ में सजावट होती है उसी तरीके से यहाँ पे उर्स के मौके पे भी सजावट बहुत शानदार होती है। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे एक गली, आपको लेके चलता हूँ, वहाँ सजाए बहुत अच्छा आई है, मतलब इमाम हुसैन की मतलब वो बनाई गई है छवि, गेट बना है। अच्छा माशाल्लाह, हाँ हाँ माशाल्लाह। मैं सलाम वालेकुम, खैरियत माशाल्लाह, कहाँ से हैं ये? अच्छा अच्छा माशाल्लाह, ये इंतजाम किन्होंने करा है? यहाँ की कमेटी ने माशाल्लाह। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, मंजर कैसा लग रहा है, मंजर कैसा लग रहा है? अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे उस्ताद है। अच्छा 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 माशाल्लाह, ये प्रोग्राम कब से हो रहा है, ये प्रोग्राम कब से हो रहा है? पहले से चालू है लेकिन फिलहाल हम तो पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है मंजर? मंजर बहुत अच्छा है माशाल्लाह, माशाल्लाह। कहाँ से आए आप लोग? बड़ा ले से। अच्छा 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 अच्छा, तो माशाल्लाह मतलब बड़े धूमधाम से यहाँ पे उर्स मनाया जाता है हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा की बारगाह का। आप ठीक है, चाचा भी है यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे को थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि ये उर्स कितने दिनों का मनाया जाएगा यहाँ पर? ये उर्स 10 दिन का रहता है, कल शरीफ की फातिया है, कल है कुल शरीफ की फातिया, शरीफ की फातिया मेन मतलब बड़ा दिन कल है। हाँ, बड़ा दिन कुल शरीफ है, कल कुल शरीफ के बाद नमाज ईशा फातिया खानी जी। और किस तरीके से यहाँ का उर्स मनाया जाता है? बहुत आलीशान तरीके से, डोंगरी के सुल्तान की सारी दुनिया में धूम है माशाल्लाह। बेशक, पहले दिन कैसे मनाया जाता है, फिर लास्ट के 10वें दिन कैसे? पहले दिन तो
दरगाह कमेटी का संडल चढ़ता है जी। तो लास्ट में दिन जो है सारे सब तमाम अकीदतमंद मुरीदीन जो है सरकार के चाहने वालों के कुल शरीफ की फातिहा में शरीक होते हैं और बहुत आलीशान दुआ होती है माशाल्लाह। परवर मंजर यानी के ऐसा मंजर आपको दुनिया में कहीं नजर नहीं आया बेशक सुभानअल्लाह। और हाँ और बीच बीच में क्या क्या होता है? बीच में संडल सब पूरे पुलिस वालों का संडल आता है, जितने भी सरकार के चाहने वाले अकीदतमंद सब लोग यानी कि सरकार की बारगाह में जी फूलों के चादर है गिलाफ है, हर कोई अपने अपने तरीके से, कोई नाच शरीफ पढ़ते हुए, कोई कवाली का महफिल समाता है, कोई लंगर पिलाता है जी जी, हर तरीके से लोग यानी कि सरकार की बारगाह में जी नजरानी अकीदत पेश करते हैं जी। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ा खूबसूरत इमाम हुसैन की बारगाह का मतलब गेट बनाया गया है मौला अली के, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मौला अली की बारगाह का क्या बोलते हैं गेट बनाया गया, ये किन के जानिब से हुआ है? ये हमारे यहाँ पे गली में रहते हैं भाई हाँ अब्दुल रज्जाक भाई ना उनकी जानिब से ये बनाया गया। अच्छा अच्छा ठीक है माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया इनका, इन्होंने जानकारी दी। और अभी पूछता हूँ ये भाई से कि क्या इंतजाम हो रहा है, कवाली का इंतजाम हो रहा है क्या, क्या हो रहा है? अच्छा रफाई का हो रहा है क्या अजान के बाद? ये देखिए यहाँ पे अजान के बाद रफाई का भी वो होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी टेस्टिंग ये ले भाई, तो अभी होगा तो इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। और ये देखिए कितना खूबसूरत प्यारा यहाँ पे मौला अली का गेट बनाया गया है माशाल्लाह, देखिए आए सुभान अल्लाह बड़ा खूबसूरत सजाया गया है मिस्टर खान अजमेर। ये देखिए मौला अली की तलवार है और बाबा जान की फोटो है आप देख सकते हो, और मौला अली के शेर की छवि बनाई गई है देखिए सुभान अल्लाह बड़ा खूबसूरत मंजर है। और यहाँ पर बड़े धूम से मनाया जाता है देख सकते हो, बड़े धूम धड़ाके से यहाँ पे मनाया जाता है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह मौला अली के नाम का गेट बनाया। तो गाइस फाइनली अब मेरा पार्ट टू आगा, पार्ट टू में मैं आप लोगों को बताऊंगा बाबा जान के बारे में कि उर्स कितने दिनों का चलेगा, कि बाबा जान कौन थे, कहाँ से आए थे, बाबा जान की क्या करामत है। तो माशाल्लाह वीडियो चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आप वीडियो तो बहुत ज़्यादा देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।